नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या यूनियन बजट 2023-24 का क्या रियल स्टेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। स्पेशली हम लोग इसको गुड़गांव के रियल स्टेट से भी जोड़ के देख सकते हैं, अदरवाइज सभी रियल स्टेट, जो भी मुंबई रियल स्टेट है, जो इंडियन रियल स्टेट है, ये बजट सभी को इफेक्ट करने वाला, वो किस तरीके से करेगा, क्या उम्मीद लगाई जा रही थी सभी रियल स्टेट एक्सपर्ट्स की तरफ से, और इसमें क्या हम लोगों को नहीं, और क्या मिला है जिसकी उम्मीद नहीं थी, और उसमें किस हिसाब से हम लोगों की गति पकड़ेगा आने वाले टाइम में, रियल किस हिसाब से चलने वाली हैं, सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस। तो सबसे पहले जो नहीं मिला उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये इतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि और चीजें इम्पोर्टेंट थी बजट पर। इस चीज को अंडरगो कर दिया गया तो वो समझ नहीं आया कि किस हिसाब से किया गया है। बट हाँ, अगर ये चीज होती तो जो एक साल और है अगले फाइनेंशियल ईयर तक, आप लोगों को रियल स्टेट में बहुत अच्छी रफ्तार, अगर ये चीज भी हो गई हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई रियायत नहीं दी गई है भारत सरकार के द्वारा। अगर होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ कटौती की जाती तो जाहिर सी बात है क्या जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं और जो कि 1 करोड़ से कम के बायर हैं, वहां पे ज्यादा खरीद दिखती रियल स्टेट, और उसकी वजह से रियल स्टेट में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती थी इस साल, जो कि लास्ट ईयर्स में होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ाया गया है। ये ऐसी हाउसिंग है जो कि कम बजट में प्रोवाइड की जाती है लोगों। इसमें जो बजट किया गया है 79,000 करोड़ का बढ़ा के कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी खबर है रियल स्टेट के लिए। पर जो लग्जरी लेवल के बायर हैं, ये शायद उनके लिए बहुत ज्यादा सुखमय खबर ना हो। बट हाँ, जो लेवल जिनका लेवल मिडिल क्लास के हैं और जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तीसरे पॉइंट पे, तो तीसरा पॉइंट है कैपिटल गेन टैक्स का जो कैपिंग है वो बढ़ाया गया है कुछ कंडीशंस के साथ। तो जो 10 करोड़ तक का कैपिटल गेन टैक्स है उसमें कुछ इनकम टैक्स के हिसाब से छूट रहेगी। इसका जो फायदा है वो HNI कस्टमर्स उठा। तो जो बजट का 3 पॉइंट्स पे टिका हुआ था मेन, तो सबसे पहला होम लोन का था जो कि नहीं हुआ है, कैपिटल गेन का था, वहां पे कुछ टर्म्स में छूट मिली है, जैसे कि 10 करोड़ तक की कैपिंग बढ़ाई गई है। उसके बाद एक और चीज की गई है, क्या कुछ चेंज किया है जो कि आपका जॉइंट नेम में प्रॉपर्टी हो उसके कैपिटल गेन में चेंज किया गया है, जो कि वाइट वैल्यू या कैसे भी चेक से पेमेंट की जाए उस, तो वो भी फर्दर नोटिफिकेशन आती है मैं आपको अब। उसके बाद जो एक सबसे अच्छी चीज की गई है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हर साल 10,000 करोड़ तक की राशि का इन लोगों ने प्रावधान बनाया है, जो कि आपके अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके थ्रू किया जाएगा। तो ये देखने की बात होगी, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लग रहा है तो रियल स्टेट पे भी अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा ही, उसमें कोई दोराय नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर रहता है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका इफेक्ट भी पड़ता है रियल स्टेट पे, और अच्छा होता है तो भी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे हमने गुड़गांव में भी देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कुछ दिनों में इतना बेहतर होना शुरू हुआ है, तो उसका बहुत अच्छे आप लोगों को रिजल्ट रियल स्टेट में एक अच्छी रैली देखने को मिली। और उम्मीद करता हूं जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आप लोगों का केस रहेगा, इसमें आप लोगों को और भी अच्छे कुछ दूरगामी प्रभाव। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में, धन्यवाद।